रब ने आप ही शायद सब कुछ रचिया सीगा कि छे नू ही इलेक्शन होने ने, छे नू ही रिजल्ट आना, छे नू ही जसवंत सिंह जी का, भाई जसवंत सिंह जी का शहीदी दिवस सी। ये जिहड़ी पोलिटिकल पार्टीज ने एक कभी वूमेन नू अगे पोस्ट नहीं देंदे, नहीं देंदे साथ, इसलिए क्योंकि साथ की आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है, सरबत का भला। पोलिटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस करो अपने, जिन्हें MLA का मुंडा हो गया, चाचे का मुंडा हो गया, उन्होंने टिकट दे दो बस, जिदा ही इलेक्शन जीत गए एक बारी बस एक दो बारी आ जाओ, दिखा देख लो कि हाँ मैं प्रेजिडेंट बन गया, कुछ कर लिया। सब तो पहला एक कुड़ी होने के कारण फैमिली प्रेशर होंगे, मामा पापा मनणगे या नहीं मनणगे, पर फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने हाँ कह दी आउट ऑफ नोवेयर, बट मैं उम्मीद नहीं सी। इमोशनल ब्लैकमेल होया फैमिली नूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। भाई जसवंत सिंह एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने, उन्हें जिन्ना प्योर सोल ईमानदार इंडिविजुअल कोई नहीं है हाल तक, मैनू ए लगता है। वो बेसहारा नहीं सहारा बने, लाशा लभदे लभदे आप लाश बन गए। सत श्री अकाल, RMB टैलीविज़न देख रहे हो, मैं संसारदीप सिंह हाँ। किसी भी सूबे की पॉलिटिक्स का धुरा जिहड़ा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो मनिया जाता है। जदों स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स दे विच चंगे लीडर, चंगी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले स्टूडेंट्स निकल के सामने आते हैं, उस तो बाद देश नूं चंगे लीडर्स मिलण की उम्मीद जग पैंदी आ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच इलेक्शन हुंदियां ने, एक इतिहास बनता है वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए। इतिहास की बनता कि सिख आइडियोलॉजी नूं भाई जसवंत सिंह खालड़ा के विचारां नूं लैके बनी एक जथेबंदी सथ दी एक नौजवान विद्यार्थन, एक नौजवान लीडर रणमीक जोत कौर इस पोस्ट के उपर काबज होंगे ने। रणमीक साढ़े नाल, रणमीक पहलां तां बहुत बहुत मुबारक कि एक इतिहास बनाया एड्डी वड्डी यूनिवर्सिटी के विच एड्डी वड्डी पोस्ट के उपर पहुँच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सब तो पहला सारे का, क्योंकि रणमीक सथ ऑर्गेनाइजेशन करके आ, स्टूडेंट्स करके आ, सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो रणमीक पहला मैं थोड़े बारे जानना चाहूँगा। रणमीक एकदम पॉलिटिक्स का स्टूडेंट पॉलिटिक्स का वड्डा नाम निकल के सामने आए हैं, रणमीक जोत है कौन? रणमीक नूं पॉलिटिक्स की गुड़ती परिवार चो मिलती है? नहीं, मेरे किसी भी पोलिटिकल बैकग्राउंड, मेरी कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं YPS मोहाली तो पढ़ी हुई हूँ, तो उत्थे सानू हमेशा तो ही लीडरशिप क्वालिटीज़ हमेशा साढ़े अंदर इंडल्ज की गई ने। साढ़े डिबेट्स होंगे, डेक्लेमेशन होंगे सके, तो हमेशा उस मैं एक्टिवली पार्टीसिपेट किया, तो उतों की ही लीडरशिप एक क्वालिटी हमेशा नाल लैके चली सी कि अगे जाके इनू जे असी यूज़ कर सके कितने करिए। तो जो मैं इतने आई, इस यूनिवर्सिटी से आई, तो मैं ये देखा कि मैं बाकी डेंटल मेडिकल कॉलेज नालों वक्रा की मिल रहा है, तो शायद एक स्टूडेंट इलेक्शन सी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स सी, जिथे शायद मैं अपने इस तरीके की क्वालिटी नूं अगे मतलब शो कर सकती हूँ। मुश्किल कितनी आई, क्योंकि एक वड्डा नाम हैगा यूनिवर्सिटी का, पंजाब की या देश की कह लिए कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के विचों पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम हैगा, वड्डे वड्डे लीडर इस यूनिवर्सिटी तो निकल चुके हैं, इतने स्टडी कर चुके हैं, मुश्किल कितनी आई एक लड़की दे लई, एक जिहदा पोलीटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं, सथ जथेबंदी हो जिन्हों कोई पोलीटिकल पिछों सपोर्ट नहीं, उस दे लई कितना डिफिकल्ट सी? डिफिकल्ट सी क्योंकि सब तो पहला एक कुड़ी होने के कारण फैमिली प्रेशर होंदा है। ये क्वेश्चन सब तो पहला मेरे दिमाग दे विच ही आही आया सी कि मामा पापा मनणगे या नहीं मनणगे, पर फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने हाँ कह दी आउट ऑफ नोवेयर, बट मैनू उम्मीद नहीं सी। इमोशनल ब्लैकमेल होया फैमिली नू? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि रणमीक इफ यू आर क्लियर विद योर विजन एंड इफ यू वॉन्ट टू डू इट तो चली जा, असी तेनू पूरा सपोर्ट करांगे। तो वो एक सपोर्ट सीगा फैमिली वालों सपोर्ट, तो बाकी जेड़े एक सिक्योरिटी नू लेके एक हमेशा एक इशू सीगा, तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी मैनू फील ही नहीं कराउन दिता, हमेशा मेरे नाल रहे ने, साड़ी पूरी स्टूडेंट्स ने मैनू कभी फील नहीं करा दिता, कुड़ियां ने बहुत ज़्यादा साथ दिता। कई बार जो असी होस्टल की कैंपेनिंग जाते सी, कई बार थोनू मतलब खाना खाण नू नहीं मिलता, तुसी ना लंच खाता होंदा ना ब्रेकफास्ट किया होंदा, तुसी डिनर वेले भी मतलब लेट हो जाते हो, तो थोड़े लिए पैक करा के रख देंदे सी, तो कुड़ियां ने भी बहुत सपोर्ट किया। रणमीक जदों यूनिवर्सिटी की हिस्टरी के वल आपां झाकी मारदे आं, पोलीटिकल सिस्टम के वल झाकी मारदे आं, तां NSUI वर्गी, ABP वर्गी, CYSS हैगी, पिछली बार विनर रहे सी, इस तरह दीआं वड्डीआं जिहड़ीआं जथेबंदियां भी इस दे यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ा काम कर रहीआं सी, फिर सथ ही क्यों? जिहड़ी एक आम ऑर्गेनाइजेशन सी, पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी आ तकरीबन 2 साल पहलां बणदी आ। क्योंकि जिन्नीआं भी पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इत्थे, इत्थे उन्हां दा इक्को एक मकसद हुंदा है कि इत्थे तुसी
बस अपना आके एक मतलब पोलीटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस करो, अपने जिन्हें एम एल ए का मुंडा हो गया, चाचे का मुंडा हो गया, उन्होंने टिकट दे दो, अपनी एक इंटर्नशिप कैरी आउट करो, तो हूँ बस जिदा ही इलेक्शन जीत गए एक बारी बस एक दो बारी आ जाओ, दिखा देख लो कि हाँ मैं प्रेजिडेंट बन गया, कुछ कर लिया। स्टूडेंट्स का इशू होवे सॉल्व ना होवे थोनू कोई लेना देना नहीं, तो बस अगे जाके अपने एम एल ए दियाँ सीटा लिए अगे फाइल करो, मतलब करो तो वो काम करो बस। तो एक चीज़ सी जो मैं नहीं पसंद सी, क्योंकि मैं ऐ लगता सी जो तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की है तो पावर दे विच एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आती। तो दूजी गल ये जी पोलीटिकल पार्टीज़ ने एक कभी वूमेन नू अगे पोस्ट नहीं देंदे, नहीं देंदे, हमेशा यही क्वेश्चन उठाया जाता है कि वो वूमेन किसी भी मैन दे मस्कुलर एनर्जी नू मैच कर सकेगी या नहीं, या कि वो सानू फाइनैंशली भी हेल्प कर सकेगी। तो ये एक सी वो सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकती सी। तो सत्थ इसलिए क्योंकि सत्थ की आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है, सरबत का भला। सरबत का भला मतलब सोसाइटी का वेलफेयर, तुसी सिर्फ सोसाइटी लिए काम करना है। तो दूजी गल मैं एक होर चीज़ जरूर रखना चाहूँगी, सत्थ हले हले बनी है, इतने शायद क्वांटिटी ज़्यादा नहीं सी पर साढ़े को क्वालिटी सी, वो दिख रही यार साथ में कच्चे। ते मैं वो क्वालिटी ते फोकस किया। तो मैं ईवन स्टूडेंट्स को भी अपील करना चाहूँगी कि तुसी क्वालिटी ते फोकस करे करो, क्वांटिटी ते ना देखो, तुसी सिर्फ एक जिथे ज़्यादा भीड़ है बस उत्थे अख बंद करके उन्हां दे हिसाब ना चले जाओ, ये देखो कि क्वालिटी कितने घट लोग ने पर उन्हां दी सोच की है, वो किस वर्ड्स से किस नैरेटिव नू किस तरीके ना ले रहे ने, वो किस तरीके दे वर्ड्स यूज करते ने, उसनू समझो, उन्हां दे व्यू पॉइंट्स समझो, फिर एक डिसीजन लो। रणमीक जदों गल सिख सियासत दी करदे आ, क्योंकि सत्थ जिहड़ी जथेबंदी आ शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा दे उन्हां दे मनशियां नू लैके चलदी आ, उन्हां दी आइडियोलॉजी नू लैके चल रही आ, पर एक तबका यह है कि शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे बारे मंदी शब्दावली जिहड़ा वरतदा जां काफ़ी वड्डी गिणती दे विच यूथ नू जिहड़ा नहीं उन्हां दे बारे पता, उन्हां दी कुरबानी दे बारे पता। यूनिवर्सिटी की गल करिए आंध्रा प्रदेश तो भी ने, यूपी तो भी ने, हरियाणे तो भी ने, बहुत वड्डी गिणती दे विच है ना स्टूडेंट्स ने, उन्हां नू भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे कुरबानी दे बारे किन्ना क मुश्किल रहा उन्हां नू समझाउणा ते उन्हां नू इह कहना कि हाँ थोड़ी कैंडीडेट दे लई मैं ही एक जिहड़ी आ सही दावेदार हाँ। शुरुआती दौर से मुश्किल सी क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं सी, एक बस एक नैरेटिव जिवें बनिया सीगा पिछों दी उही दिमाग दे विच सी उन्होंने, पर हौली हौली जदों असी गलबात की एक बारी की दो बारी की तीन बारी की उन्होंने ज़्यादा समझाया, तो उन्होंने जो आप उस बारे पढ़िया है ना, उन्होंने रिसर्च किया, तो फिर स्टूडेंट्स को अपने आप समझ लग पाया, क्योंकि मैंने लगता भाई जसवंत सिंह एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने, उन्हें जिन्ना प्योर सोल उन्होंने जिन्ना मतलब ईमानदार इंडिविजुअल कोई नहीं है हल तक, मैं ऐ लगता है उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, उन्होंने सिर्फ उस टाइम पर उत्थे दे ह्यूमैनिटी लई काम किया जो एक आम लोग एक आम इंसान करता है, वो बेसहारा नहीं सहारा बने, लाशा लभदे लभदे आप लाश बन गए। तो उन्होंने जिहड़ा पूरा मकसद सीगा एक आप राम नारायण जी उन्होंने एक पूरा किया, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी गई है इंसाफ .org करके एक वैबसाइट भी चलाई गई, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ने। जे असी उन्होंने बारे कोई मंदी मतलब चीज़ा बोलेंगे तो मैं ऐ लगता है कि जेडे लोग मतलब आम लोगों ने काम कर रहे ने, आम लोगों से उठ के आ रहे ने, एक बैंक मैनेजर सीगे आम लोगों से उठ के आ रहे ने, तो मतलब जो ईमानदारी काम कर रहे तुम उन्होंने तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बीती कल भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा का शहीदी दिन भी सी, उस दिन रिजल्ट अनाउंस होंगे ने कि सत्थ एक जिहड़ा फुल लगा दिंदी है अपनी हाजरी जिहड़ी है यूनिवर्सिटी दे विच लगा दिंदी है, जदों विनर अनाउंस होंगे हो स्टूडेंट्स का रिएक्शन थोड़े सपोर्टर्स का रिएक्शन जिहड़ा देखते हो पहली भावना की आउंदी है, को शहीद का शहीदी दिहाड़ा उस दिन जिस दे नाम के उपर जथेबंदी बनती बहुत ज़्यादा खुशी होंगी है, इंज लगता जिवें रब ने आप ही शायद सब कुछ रचिया सीगा, छे किसी नूं नहीं पता सी कि रब दी रचना सी कि छे नूं ही इलैक्शन होने ने, छे नूं ही रिजल्ट आना है, तो छे नूं ही जसवंत सिंह जी का भाई जसवंत सिंह जी का शहीदी दिवस सी। सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश सी, बहुत खुश सी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो एक अलग ही खुशी सी, सानूं ऐ लगे कि साडी मेहनत सच्ची रंग लाई। स्टूडेंट पोलीटिक्स की या सिख पोलीटिक्स की जेकर गल करिए, सिख पोलीटिक्स के बड़े बड़े थम जड़े ने थोनों बधाइया दे रहे हैं, अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के वालों बधाइया दत्तियां ने, एक जिम्मेवारी का एहसास थोनों करवाया गया, लगता नहीं कि 19-20 साल की एक छोटी उम्र के एक वड्डी जिम्मेवारी वड्डे वड्डे सियासत के थम्मा की निगाह रणमीक के उपर। सब तो पहला तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कि क्योंकि वो बहुत वड्डे लीडर ने,
तो उन्होंने मैनू नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन नू एक साढ़े उत्ते ट्रस्ट रखिया, एक उम्मीदवार समझिया कि हाँ असी अगे वध सकते हाँ साड़ी आइडियोलॉजी नाल रह के। ते दूजी गल मैनू इंज लगता कि उम्र नाल कदी नॉलेज नहीं मैच कर सकते, है ना, ना ही उम्र नाल तुसी अपनी लर्निंग नू मैच कर सकते हो। देर इज़ नो एज फॉर लर्निंग, देर इज़ नो एज फॉर नॉलेज। मैनू सब तो वड्डा एग्जाम्पल क्योंकि असी हले कॉफी शॉप ते ही खड़े हाँ, मैं उन्हां दा जिहड़े साडे इत्थे मैनेजर ने उन्हां दा ही देना चाहूँगी। ही इज़ एन रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, ठीक है, एंड हुण ही मस्ट बी 70 ईयर्स ओल्ड एंड लुक एट हिम, ही मतलब वो इन्ने ही ज़्यादा मेहनत करते होंगे ने। सानू हमेशा देखता सी जदों भी इत्थे आउंदे आ खाण, वो आप अगे आके सानू सर्व करते ने। उन्हां दा एक अलग ही मेहनत हुंदी है, वो बस लगे हुए ने। वो कहिंदे ने कि रुकना जरूरी थोड़ा है, जदों हुण आपां काम करन आए हाँ तो असीं काम करांगे। कहिंदे मैं कदी ये करांगा, मैं वो करदा। मैनूं उन्हां तों बहुत वड्डी इंस्पिरेशन मिलती है कि एज कदी भी थोड़े मेहनत नूं नहीं रोक सकता, एज कदी भी थोड़े नॉलेज नूं नहीं डिफाइन कर सकता। जदों थोड़ा कंपेन असीं नेड़े तों देखदे हां, कंपेन दे विच घटियां जिहड़ियां ने कुछ घटनावां देखदे हां, दो सवाल खड़े हुंदे ने। एक तां यूनिवर्सिटी दे विच जां पंजाब दी पॉलिटिक्स दे विच कोई इस तरह की सिख जथेबंदी जिहड़ी आ कामयाब नहीं सी हुई जिस तरह दे नाल थोड़ी लड़ाई सी। एक जदों भाई जसवंत सिंह खालड़ा की फोटो नूं लैके भी काफ़ी बवाल यूनिवर्सिटी दे विच उठिया, वो सारे कासे ने किते एक तां डर के कामयाब नहीं होए, एक भाई साहब की फोटो नूं लैके सवाल, किते मन दे विच हौसला तां नहीं किते नीचे आया कि यार पंगा भी लै लिया भी हुण साख भी जिहड़ी आ यूनिवर्सिटी दे विच दाव ते लग गई भी हुण की करांगे? नहीं, हौसला नहीं छड्डे, हौसले किसी ने भी नहीं छड्डे, क्योंकि जो सानूं पता है कि साडा विजन बिल्कुल क्लियर है, असी सच्चाई नाल खड़े हाँ, असी ऑनेस्टली नाल चल रहे हाँ, तो हौसले नहीं छड्डने चाहिए। मुश्किलां आउंदियां रहणगियां ने, क्योंकि जदों हुण तुसी एक जर्नी ते तुरे हो, बिना मुश्किल वाली जर्नी जर्नी नहीं हुंदी, तां फिर मुश्किलां जरूर आउणगियां, उहनूं सामना भी करना पैणा, पर हौसले नहीं छड्डने। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ CYSSI ਆ, ਕਿਤੇ ਰਣਮੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰਣਮੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ 13 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ 13 ਸਪਤੰਬਰ ਮੇਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3rd ਈਅਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਫੈਸਿਟਡ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਰਣਮੀਕ ਜੋਤ ਕੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਣਮੀਕ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉੱਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।